अपनी जमीन पर अवैध कब्जे हुए हैं उसका हमने सर्वे कर लिया है और ठाकुर वाड़ा अभी हमारे से आगे बाकी है। फार्म हाउस काटना चाह रहे हैं या फॉरेस्ट की लैंड को खराब करना चाह रहे हैं तो उन पे अपने आप प्रतिबंध लग जाए। फरीदाबाद के खोरी गांव के बाद अब सोहना के करीब आधा दर्जन कॉलोनियों पर वन विभाग का बुलडोजर जल चल सकता है, जिसके लिए वन विभाग की टीम ने कस्बे की पहाड़ कॉलोनी, पीर कॉलोनी, आईटीआई कॉलोनी, बनियावाड़ा व ठाकुरवाड़ा में सर्वे अभियान शुरू कर दिया है। अगर वन विभाग के अधिकारियों की माने तो उक्त कॉलोनी वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनी है, जिनका सर्वे किया जा रहा है। वहीं सर्वे करने के बाद यहां पर रहने वाले लोगों को वन विभाग सेक्शन 4 व 5 के तहत नोटिस देगा, जिसकी सारी रिपोर्ट तैयार कर विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। वहीं अभी तक की बात करें तो वन विभाग के अधिकारियों ने करीब 400 मकानों का सर्वे कर लिया है और बाकी बचे मकानों के सर्वे का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हालांकि वन विभाग ने जब सर्वे अभियान शुरू किया तो आईटीआई व पीर कॉलोनी में अवैध रूप से मकान बनाकर रहने वाले लोगों ने इसका विरोध किया और सर्वे करने के लिए आई वन विभाग की टीम के साथ बदतमीजी भी की गई। लेकिन सर्वे अभियान को निरंतर जारी करने के लिए अब वन विभाग की टीम पुलिस की मौजूदगी में सर्वे अभियान को चलाकर अवैध रूप से वन विभाग की जमीन में बने मकानों तक पहुंचकर यह जानकारी जुटा रही है कि मकान कितनी जमीन में बना हुआ है, घर का मालिक कौन है और मकान मालिक का मोबाइल नंबर क्या है, ताकि वन विभाग को नोटिस भेजने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े व नोटिस समय से ठीक स्थान पर पहुंच सके। अवैध कॉलोनियों में बने मकानों की पूरी रिपोर्ट तैयार कर वन विभाग सरकार को भेजेगी, जिसके बाद आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाए। मैं श्री रशीद अहमद ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर राशिना, हम सरकार की हिदायत के अनुसार जो फॉरेस्ट लैंड सेक्शन 4-5 जिस पर लागू है उसकी सरकार की हिदायत के अनुसार उसका हम सर्वे कर रहे हैं कि कितनी जमीन पर अवैध कब्जे हुए हैं और नहीं हुए। तो अब तक हमने आईटीआई कॉलोनी, पीर कॉलोनी, पहाड़ कॉलोनी और बनियावाड़ा यहाँ तक हम अपना कार्य पूरे कर चुके हैं। लगभग 400 घर के आसपास का हमने सर्वे कर लिया है और ठाकुरवाड़ा अभी हमारे से आगे बाकी है, तो इसका हम अब आगे सर्वे करने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये सर्वे करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? सर्वे करने के बाद आगे का प्रोसीजर ये है कि हम अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी जाएगी और जैसे भी सरकार इसका कोई निर्णय लेगी तो सरकार को पता चलेगा। जी, तो ये फॉरेस्ट की जमीन है? हाँ, ये सेक्शन 4-5 का जब बन गए और ये फॉरेस्ट के अंदर आती है। हालांकि वन विभाग की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहां पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसे ही मास्टर प्लान रिलीज होगा और जो रेगुलाइजेशन एरिया है उसके अंदर परमिशन आ जाएगी और जो लोग वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके फार्म हाउस काटना चाहते हैं या वन विभाग की जमीन को खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर अपने आप पाबंदी लग जाएगी। आने वाले समय में जैसे ही कंसोलिडेटेड प्लान जारी होगा लोगों को निजात मिल जाएगी। जैसे ही मास्टर प्लान रिलीज होगा जो रेगुलराइज रेजिडेंशियल एरिया है उनके अंदर परमिशन आ जाएगी और जो आके फार्म हाउस काटना चाह रहे हैं या फॉरेस्ट की लैंड को खराब करना चाह रहे हैं उन पे अपने आप प्रतिबंध लग जाएगा। तो मैं तो इतना मानता हूँ कि आने वाले समय में दिक्कत से जैसे ही एक कंसोलिडेटेड डिस्ट्रिक्ट प्लान इश्यू होगा लोगों को निजात। सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के बाद जैसे ही वन विभाग की टीम ने सर्वे अभियान शुरू किया तभी से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग की जमीन पर बसे लोगों को अब खोरी गांव की तरह अपने आशियाने टूटने का डर सताने लगा है, जबकि अरावली पहाड़ी पर हजारों फार्म हाउस वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बने हैं, जिनको ध्वस्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश भी जारी किए हुए हैं। लेकिन एनजीटी के बार बार कहने पर नगर परिषद इन फार्म हाउस पर नकेल कसने में कामयाब नहीं हो पा रही। नगर परिषद के अधिकारी जब भी अरावली पहाड़ी पर फार्म हाउस को तोड़ने के लिए जाते हैं वहां पर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करके किसी खाली पड़े फार्म हाउस की दीवार को तोड़ने का वीडियो बनाकर व फोटो खींच कर बैरंग लौट आते हैं, क्योंकि अरावली की पहाड़ी पर जो फार्म हाउस अवैध रूप से बने हैं उनमें से ज्यादातर फार्म हाउस जज, बड़े अधिकारी, बिजनेसमैन, राजनेता व बॉलीवुड के लोगों के हैं। अब ऐसे में देखना इस बात का होगा कि वन विभाग का डंडा इन गरीब कॉलोनी वासियों पर पहले चलता है या फिर अरावली की पहाड़ी में अवैध रूप से बने उन फार्म हाउस को भी तोड़ते हैं जिनके लिए एनजीटी कई बार तोड़ने के लिए बोल चुकी है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की खास रिपोर्ट।
देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।